So today we are going to discuss about second most important renewable energy, that is wind energy. So basically जो विंड है दैट इज द फ्लो ऑफ एयर, एंड जो फ्लो ऑफ एयर होता है उसका ड्राइविंग फोर्स होता है दैट इज द प्रेशर डिफरेंस इन द एयर। तो प्रेशर डिफरेंस जो एयर में आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो जब भी जो सनलाइट गिरती है कहीं पे, तो वो किसी भी एयर पार्सल को वार्म अप करती है, वो एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि जो हीट की वजह से है एयर एक्सपैंड होता है। वो तो एक्सपैंड होने की वजह से जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो एक्सपैंड होता है, तो वो लाइट हो जाता है, उसका जो वजन है थोड़ा कम हो जाता है, तो वो ऊपर की तरह जो है चलने लगता है वो। तो नीचे का जो पोर्शन है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, बिकॉज जो एयर एक्सपैंड होता है तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हमेशा याद रखा, जहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब भी प्रेशर डिक्रीज होगा तो एडजेसेंट एरिया जो भी जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ एयर कम होता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ से एयर फ्लो होता है टू द लोअर प्रेशर, ताकि जो है स्टेबलाइजेशन हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये तो मतलब जब स्टेबलाइजेशन होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब हवा चलती है उसको विंड बोलते हैं। अब जितनी भी प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी विंड की। तो आप ये यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्पीड अच्छी खासी है, जिससे भी जो है ट्रीज के लीव्स एंड ब्रांचेस जो है बेंड हो गए टूवर्ड्स वन साइड। तो बेसिकली विंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका जो ड्राइविंग फोर्स है विंड का, दैट इज होल एंड सोल बिकॉज ऑफ द सन। तो अनलाइक जो अदर रिन्यूएबल एनर्जीज है, जैसे आपका टाइडल एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सन, सनलाइट है। जब भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो सनराइज से पहले तो पूरा जो एयर होता है काम होता है। जो ही सनराइज होने लगता है, सूरज की किरणें जब गिरती है हवा पे या ज़मीन पे, उस टाइम जो है हवा की मोमेंट स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जो वहाँ पे एयर पार्सल्स है हीटअप हो जाते हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से हवा चलती है। तो मेन प्रिंसिपल विंड का यही है, प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो अब सनलाइट कितना रिसीव करता है अर्थ, दैट इज 1.74 × 10^17 watts ऑफ पावर पर आवर, हर घंटे 1.74 × 10^17 watts अर्थ रिसीव करती है फ्रॉम द सन। उसमें से तकरीबन 2% इस फिगर का 2% कन्वर्ट होता है इनटू द विंड एनर्जी। मींस कि जितना भी सर्कुलेशन ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द विंड होता है, दैट इज ओनली बाय द 2% ऑफ द सनलाइट व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये तकरीबन 50 से 100 गुना ज़्यादा है जो एनर्जी कन्वर्ट होती है बाय द प्लांट्स, जो प्राइमरी सिंथेसिस है, प्राइमरी प्रोडक्शन है प्लांट, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द बायोमास। विंड एनर्जी उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा होती है, मतलब वो एनर्जी कन्वर्शन, सन की एनर्जी कन्वर्शन टू द विंड एनर्जी। तो बेसिकली जो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड मासेस, चाहे फॉर एग्जांपल दिन के टाइम आपको जो है लैंड सी ब्रीजेस आ जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे समंदर उस टाइम ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो लैंड गर्म होता है। रात के टाइम समंदर थोड़ा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। तो वाटर धीरे धीरे गर्म हो जाता है, एंड जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे सैंड है, किसी भी जगह अगर सैंड होगी रेगिस्तान में, रेगिस्तान का टेम्परेचर रात में बहुत ही डाउन हो जाता है, कभी कभी माइनस में भी हो जाता है, और दिन के टाइम मोर देन जो है 45-50 तक भी जाता है, बिकॉज जो रेत है जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। अनलाइक जो आपका जो वाटर रिसोर्सेज है या वाटर रिजर्वायर्स है, जैसे जो सीज है, लैंड है, ये सीज है या लेक्स है, तो वो उनमें जो वाटर है धीरे धीरे गर्म हो जाता है दिन के टाइम और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जिससे हमें जो एक प्रेशर डिफरेंस बनती है बिटवीन द लैंड एंड वाटर बॉडीज, उससे रात के टाइम लैंड ब्रीजेस और दिन के टाइम
सी ब्रीज चलती है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस. कन्वर्शन ऑफ द विंड स्पीड इनटू द पावर, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो या मैकेनिकल पावर में हो, तो हम डिफरेंट जो है चीज़ें यूज़ करते हैं. जैसे विंड मिल्स का इस्तेमाल होता है, देन टर्बाइंस का इस्तेमाल होता है, तो उससे उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसको फिर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, और फिर ट्रांसमिशन लाइन से इसको जो है टू द लोड. आई वाज सेइंग दैट जो विंड एनर्जी है, इसको हम बहुत तरीक़ों से कैप्चर कर सकते हैं. पहले ज़माने से भी यूज़ होता आ रहा है विंड एनर्जी, जो आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा. विंड मिल्स होते हैं बड़े बड़े, दैट वाई यूज इट फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स जो फ्लोर वगैरह बनाने में. एंड देन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स टर्बाइन्स यूज की जाती है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको फिर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के द्वारा फिर उसको फिर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करके लोड पे जो सप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंड टर्बाइन है, तो जब भी इस पे विंड कनेक्ट होती है, तो ये रोटर है इसका, ये रोटेट करता है. इनसाइड इसके गियर होंगे, तो हम पार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे तो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो इसमें फिर वो जो मैकेनिकल फोर्स है कन्वर्ट होता है इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्बाइन्स, और जो टर्बाइन्स जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी ये टर्बाइन्स, ये जो विंड मिल्स है या विंड टर्बाइन्स है, ये कनेक्टेड होते हैं टू द मेन ट्रांसफार्मर. तो वहाँ से वो फिर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होते हैं. तो अब जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू है कि पहले ज़माने में किस लिए यूज़ होता था, 3,000 साल पहले ये यूज़ होता था फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स और पंपिंग द वाटर. जो यहाँ पे जो ये लगा है, तो अक्सर आप अगर एक मूवी है, यू गो थ्रू दैट मूवी, दैट इज़ नेम ऑफ द गॉड मस्ट बी क्रेजी. तो उस मूवी में एक जगह उन्होंने यही विंड मिल का यहाँ पे लगाया, साउथ अफ्रीका सफारी में कहीं पे. तो वो वहाँ पे मेन नहीं चल रही थी, तो एक बंदा वहाँ पे चढ़ के वो उसको घुमाता है. एंड देन दे यूज टू पंप द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. बोर वेल्स लगाएंगे तो कैसे फिर पानी आ जाएगा, बिकॉज देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोज टाइम, 3,000 साल पहले. तो विंड मिल्स जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. 1200 BC जो जो ईयर था, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये माना जाता था, बिकॉज इट वाज यूज फॉर द ग्राइंडिंग द ग्रेन्स एंड फॉर द पंपिंग द वाटर. तो उसके बाद 19th सेंचुरी में विंड मिल्स या टर्बाइन्स को यूज़ किया गया फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बेसिकली कुछ ऐसे ये वाला है जो वर्टिकल विंड मिल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकली जो है फैंस वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं. तो ये यूज़ होते थे फॉर ग्रीन्स को ग्राइंड करने के लिए. यहाँ पे तो हवा चलती है तो ये घूमता है. ये अफगानिस्तान में यूज़ करते थे, और ये चाइनीज़ मॉडल है पंपिंग द वाटर. तो ये सेलिंग टाइप है, जैसे सेलिंग बोट्स में होता था वो पर्दे लगा के, तो फॉर ग्राइंडिंग द ग्रीन्स. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं हिस्टोरिकल विंड मिल्स कैसे होती थी फॉर ग्राइंडिंग द ग्रीन्स और पंपिंग द वाटर. यहाँ तो पंपिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया जाता था, एंड दिस इज़ फॉर द ग्राइंडिंग द ग्रेन्स. तो ये बहुत ही एंशियंट पिक्चर है. तो उसके अलावा ये भी एक और पिक्चर्स है, सेलिंग टाइप ग्राइंडिंग द ग्रेन्स, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए फ्लोर जो आटा चक्की जो होती है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता था. एंड दिस पर्टिकुलर वायर यूज फॉर द पंपिंग द ग्राउंड वाटर. यहाँ पे एक लगी है पाइप, तो ये जब मूव हो जाता है तो मैकेनिकल फोर्स की वजह से पानी बाहर आ जाता है. एंड दीज आर द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न काइंड ऑफ विंड मिल्स या टर्बाइंस कह सकते हैं. तो ये जब इंस्टॉल किए जाते हैं, इसमें अंदर गियर्स वगैरह भी लगी होती है. दे कन्वर्ट टू दैट मैकेनिकल फोर्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कनेक्टेड होते हैं यूजुअली, ये बहुत सारे होते हैं विंड फार्म करके शक्ल में, ऐसे करके. ये देखो कितने सारे लगे हैं, 200, 300, 400 लगे होते हैं एक ही जगह. तो अब विंड मिल का जो है डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सो दैट इट कैन जो है डिफरेंट जो चेंज आ गई है, विंड मिल को कैसे बनाया जाए ताकि मैक्सिमम जो है एनर्जी, जो विंड की एनर्जी है, ज़्यादा उसको कन्वर्ट किया जाए इनटू द इलेक्ट्रिसिटी.
तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली, इसमें जो गियर्स वगैरह लगे होते हैं विंडमिल में, वही मेन पार्ट है। जैसे हम कार वगैरह चलाते हैं तो यूजुअली हम जो एक्सेलरेशन देते हैं कार को, तो गियर्स उसको मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रोटेशन एक विंडमिल में एक रोटेशन लग जाएगा, बिकॉज विंड से अगर एक रोटेशन भी लग जाएगा तो वो गियर्स उसको 100 गुना जो है इंक्रीज कर देते हैं, जिससे 100 टाइम्स जो है पावर इंक्रीज हो जाता है। तो गियर्स का ही काम होता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं रोटेशंस को। तो जो वो उसका डिज़ाइन है, जो फैन होता है, रोटर होता है, वो किस टाइप का होगा, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बाद ये डिज़ाइन है जो मॉडर्न काइंड ऑफ आपके विंडमिल्स होते हैं या टर्बाइन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, ये एक रोटर होता है, ये इस पे ये ब्लेड्स लगे होते हैं, यूजुअली 3 ब्लेड्स होते हैं, 3, 2, 1। तो मोस्ट कॉमनली 3 ब्लेड वाला यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ एरोडायनामिकली जो है मोर कॉनस्ट, इसमें जो ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होती है। और अगर 3 से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें कॉस्ट का भी देखना पड़ता है। तो मोस्ट ऑप्टिमम जो यूज़ होता है 3 ब्लेड वाला यूज़ होता है। तो 2 ब्लेड भी वाला भी यूज़ होता है, बट उसमें जो टॉर्क होता है, जो मोमेंटम होता है, वो नहीं बनता है, बिकॉज एक ब्लेड ऊपर है एक नीचे है, तो जो है उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। एक ब्लेड वाला भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो इन सम काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो कहने का ये मतलब है, जब विंड डायरेक्शन यहाँ आती है तो ये रोटर मूव करता है, ये वाला फैंस मूव करते हैं, तो उसकी वजह से ये शाफ्ट जो है, ये जो एनर्जी है, ये शाफ्ट इस गियर बॉक्स में जाती है। तो ये गियर बॉक्स जो है रोटेशंस को मल्टीप्लाई करता है, जैसे हमारी कार्स वगैरह में गियर का कंसेप्ट है। तो एक रोटेशन तकरीबन 1800 जो है रोटेशंस में इसको कन्वर्ट करता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें जैसे ये लगे होंगे, टीथ लगे होंगे, तो कनेक्टेड है गियर के साथ, वो उसकी रोटेशंस को मल्टीप्लाई करता है। तो उसके साथ ये फिर जो है जनरेटर होता है, बेसिकली डायनेमो टाइप, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह उसकी वजह से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड टू द जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ यहाँ पे कन्वर्ट होती है। बट यहाँ पे कुछ और पार्ट्स है, जैसे यार्न ड्राइव है, यार्न ड्राइव है, इसको इसका काम यही है। वो देखो, अब विंड डायरेक्शन जो है चेंज होती रहती है, इसका ये काम होता है कि इस ब्लेड को विंड डायरेक्शन के साथ ही अलाइन करना, जिस साइड विंड डायरेक्शन होगी उस साइड ही इसको लगाना। तो इसका ये काम है। उसके इस बाद एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करता है। विंड स्पीड क्यों मेजर करनी है, अगर 55 माइल्स पर आवर से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तब जो है रोटर को स्टॉप करना पड़ता है ब्रेक्स से, क्योंकि 55 माइल से ज़्यादा स्पीड होगी देन ये नुकसान पहुंचा सकता है ब्लेड्स को। तो ये बहुत ही, फिर इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एनीमोमीटर स्पीड मेजर करता है। विंड वैन जो है यहाँ पे, ये विंड डायरेक्शन को मेजर करता है, विंड डायरेक्शन किस साइड है। तो ऐसे ही जो यार ड्राइवर है तो वो इसको जो है अलाइन करता है। एंड देन कुछ टर्बाइन्स जो होते हैं, जैसे बड़ी टर्बाइन्स, तो दे आर एबल टू डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी एट लो कॉस्ट देन स्मॉलर ड्राइव, बिकॉज उसका जो फाउंडेशन प्लान जो होता है इंडिपेंडेंट ऑन साइज होता है। तो बेसिकली ऑफ शोर के लिए, ऑफ शोर मीन्स इन समंदर जो होता है ना, पानी में यूज होते हैं लार्ज टर्बाइन्स। तो इन एरियाज जो जहाँ पे डिफिकल्ट होता है कि बड़े बड़े टावर्स लगाए जाएंगे, यूजुअली जो रेजिडेंशियल एरियाज में लगाए जाते हैं, वहाँ पे ये नहीं लगाए जाते हैं लार्ज टर्बाइन्स, ये ऑफ शोर में लगाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द सी वाटर्स। फिर स्मॉल टर्बाइन्स ये लोकल जो होते हैं फार्म, जिसको विंड फार्म बोलते हैं, तो इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एक छोटी चीज़ को भी लगाने के लिए जो है उतना ही मटेरियल लगेगा जितना वो बड़ी चीज़ को लगाने में लगेगा, बड़े टर्बाइन्स को लगाने में लगेगा, बिकॉज फाउंडेशन कॉस्ट इज द सेम। उसमें लैंडस्केप का भी कंसिड्रेशन करना पड़ता है कि जो लैंड हमें, हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमें टर्बाइन्स जो है
टर्बाइन्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें लैंडस्केपिंग का भी देखना पड़ता है। बट लार्ज टर्बाइन्स को में ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दे आर यूज इन द सीज, ऑफ शोर यूज़ करते हैं। अब नंबर ऑफ जो ब्लेड्स, मैं भी कह रहा था यूजली 3 ब्लेड वाला जो यूज़ करते हैं, मोस्टली कॉमन डिज़ाइन 3 ब्लेड है बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी है और इसमें कॉस्ट भी देखा जा सकता है। अगर 3 ब्लेड से ज़्यादा यूज़ करेंगे देन द कॉस्ट विल बी मोर। जो इसका ये ब्लेड होता है अंदर से खोखला होता है, तो ए रोटर विद एन इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स विल गिव मोर, गिव स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अब इवन नंबर के जो होते हैं जैसे 2 वाले, ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि ये एक ब्लेड ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, जब विंड आएगी तो एक ब्लेड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एक पे कम पड़ेगा, देन वो ब्लेड्स बैंड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड। तो यूजुअली 3 ब्लेड वाला जो आप घर में पंखे भी देखते हैं वो यूज़ होते हैं। तो घर में जो पंखा होता है उसमें इसमें एक ही डिफरेंस होती है, दैट इज उस पंखे में हम बेसिकली एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से जो है जो इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स है जैसे 2 है 4 है तो इसमें बैंडिंग का इशू है और लोअर जो ब्लेड होगा उसमें विंड कम आ जाएगी एंड देन अपर प्लेट में विंड का ज़्यादा हो जाएगा देन वो बैंड हो सकता है। तो उसके बाद जब एनर्जी कन्वर्ट होती है इन टू द मैकेनिकल, तो ये एक जो यहाँ पे शाफ्ट कनेक्ट होता है, तो ये बेसिकली एक जनरेटर है जिससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इन टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें कूलिंग वगैरह का भी देखना पड़ता है बिकॉज ओवर हीटिंग से जो है इसमें नुकसान हो सकता है। तो ये तो हमने आगे वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जनरेटर्स बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। तो जो स्मॉल जनरेटर्स है ये वाला, ये जो बेसिकली जनरेटर जो हम बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म में डायनेमो भी कहते हैं, जो हम साइकिल्स वगैरह में लगाते हैं उस टायर्स के साथ, पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था। तो इसमें बड़े टर्बाइन्स में बड़े जनरेटर्स एंड छोटे जनरेटर्स, क्योंकि एक टर्बाइन में विंड टर्बाइन में सबसे हेवीएस्ट पार्ट यही होता है, ये गियर बॉक्स एंड दिस वन जनरेटर। तो इसमें ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत है, इसका जो है मेंटेनेंस कैसे कम किया जाएगा, इसका साइज़ कैसे कम किया जाएगा। अब जो स्मॉल जनरेटर्स होते हैं दे रिक्वायर लेस फोर्स, स्मॉल फोर्स मीन्स कि उसके लिए अगर विंड स्पीड कम भी होगी तब भी वो घूमता है, बट दे आर लेस एफिशिएंट क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम होता है। तो जो ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड्स होगी उससे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज नहीं होगी, बट जो बड़े जनरेटर्स होंगे वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, हाई स्पीड में उसका जो पावर है इंक्रीज होता है, तो उसके जो इंटरनल मैग्नेट्स वगैरह वो भी स्ट्रांग होता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं लार्ज जनरेटर्स हम ऑफ शोर जो हमारे जनरेटर ये टर्बाइन्स है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल जनरेटर्स हम इनलैंड जो हमारे विंड फार्म्स है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अदर इसके डिज़ाइंस क्राइटेरिया है कैसे होना चाहिए, जैसे हाइट जो है 100 मीटर होनी चाहिए एटलीस्ट, बट कुछ इंडिया में कुछ जगह जो है रिकमेंडेड हाइट अराउंड 80 और 50 भी बताया गया है। तो जो नीचे वाली, अब 100 क्यों मीटर रखा है बिकॉज जो नीचे जो हाइट होती है 80 मीटर से बिलो, तो उसमें ओबस्टैकल्स होते हैं जैसे ट्रीज होंगे घर होंगे, तो उसकी वजह से जो विंड स्पीड है वो कम हो जाती है। तो उसके अलावा एक डिज़ाइन कंसिड्रेशन है द विंड टर्बाइन ओबटेन्स पावर कन्वर्टेड टू विंड इनटू टॉर्क जो ब्लेड्स कन्वर्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे जो ब्लेड्स होंगे दे शुड बी एरोडायनेमिक, कि अगर थोड़ी सी भी हवा उस पर गिरेगी या कंटैक्ट आ जाएगी विंड का कंटैक्ट हो जाएगा वो रोटेट होना चाहिए। तो उसके अलावा जो डेंसिटी है उसका भी कंसिड्रेशन देखा जा सकता है। तो यूजुअली जो विंड स्पीड होती है तो पावर जनरेशन होता है टू द क्यूब ऑफ विंड स्पीड। तो इसमें टेम्परेचर का भी देखा जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ एयर किस टेम्परेचर पे कितनी होती है, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी जो है कन्वर्शन ऑफ विंड टू द इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये मैं कह रहा था जो पावर जनरेशन है, तो पावर जनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ विंड स्पीड, जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतना पावर जनरेशन ज़्यादा होगा। मीन्स अगर विंड स्पीड 2 होगी डबल हो जाएगी तो फॉर एग्जांपल उसका जो पावर जनरेशन 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो
2 रेज पावर 3 हो गया 8। तो उसकी जो एफिशिएंसी है, हाईएस्ट एफिशिएंट जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है विंड मिल्स की, दैट इज़ अराउंड 60%। मीन्स कि 60% ऑफ द विंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पावर बाय द विंड टर्बाइन्स। और भी अदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसका जो कॉस्ट अगर देखेंगे, टिपिकली 600 किलोवाट का टर्बाइन तकरीबन 4,50,000 डॉलर तक आ सकता है। फिर उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग है, फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है, फिर ट्रांसफार्मर्स लगाने, वो सब, ये बहुत ही महंगा है। बिकॉज इसका अगर छोटे ब्लेड में भी थोड़ा सा भी नुकसान आ जाएगा, देन इसका जो है पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। अब जो जो टर्बाइन्स होते हैं, जैसे 10 किलोवाट से छोटे होते हैं, तो हम घर में लगा सकते हैं, फार्म्स में लगा सकते हैं, रिमोट एप्लीकेशंस के लिए लगा सकते हैं। तो इंटरमीडिएट 10 से 250 किलोवाट के हो सकते, तो विलेज एक गांव को पावर दे सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम होता है बेसिकली जिसमें मोर देन वन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कनेक्टेड होते हैं। जैसे उसमें सोलर पैनल्स भी लगे होंगे, उसमें आपका टाइडल एनर्जी भी होगा, बायोमास से भी कनेक्टेड होगा, या वो जितनी हमारी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, थर्मल पावर प्लांट्स है, उसके साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं। फिर लार्ज स्केल पे जिसमें हम जो है मोर देन 2 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सेंट्रलाइज एक सिस्टम हो सकता है, बेसिकली एक ग्रिड टाइप जो बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इनकी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप छोटा सा विंड अगर हमारे घर में 25 किलोमीटर से 25 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है, तो नॉर्मली जहाँ पे भी 25 किलोमीटर से पर आवर 25 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है, तो वहाँ पे हम जो है विंड टर्बाइन लगा सकते हैं। बट आई गेस कि यहाँ पे कश्मीर में उतना नहीं है विंड स्पीड, बट लद्दाख रीजन में शायद ज़्यादा है। और इसके कुछ कोस्टल एरियाज जो है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट्स, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तो हम आगे जाके वो दिखाएंगे स्लाइड, तो कहाँ कहाँ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी हो सकता है। तो हम छोटा सा टर्बाइन, अगर हमारे एरिया में स्पीड अच्छी है विंड की, तो छोटा सा टर्बाइन लगा के लगा सकते हैं। अब ये नहीं है कि विंड स्पीड जो होती है विंड का, ये एक मतलब इसको हम गैस नहीं कर सकते कब आ जाएगी कब नहीं आएगी। तो ये उसी एरियाज में लगाते हैं जहाँ पे सर्वे किया जाता है। तो बिकॉज इसका जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है बहुत ही ज़्यादा है, उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो मैं अब ये कह रहा था कि विंड पावर सोर्स इंडिया क्या है, पोटेंशियल जो है, मतलब पूरा जो सर्वे किया गया है इंडिया में कितना जो है विंड एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं पावर, दैट इज़ अराउंड 3,02,521, तकरीबन 302 गीगावाट्स के आसपास पोटेंशियल है। बट इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमने अभी इंस्टॉल किया वो खाली 8,000 मेगावाट्स है। तो इसमें जो ये डार्क ब्लू कलर की स्टेट्स है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका है, तमिलनाडु, तो ये स्टेट्स में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, और यहाँ पे बहुत ही जो है इस पे काम किया गया है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो ये है एक एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। तो लेटेस्ट डेटा है कितनी हमारे पास जो है पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, स्टेट वाइज इन मेगावाट्स में दिया गया है फिगर्स। तो इसमें जैसे गुजरात है, तमिलनाडु स्टेट है, महाराष्ट्र है, इनमें पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज दे आर द कोस्टल स्टेट्स। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो जो है विंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं फास्टर ड्यूरिंग द डे, बेसिकली दिन के टाइम, बिकॉज दिन के टाइम जो है सी ब्रीज आती है, हवा आती है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो है बहुत ही क्लीन एनर्जी है। तो विंड एनर्जी इज अ डोमेस्टिक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, लिटिल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, 95% ऑफ जो लैंड है विंड फार्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पोर्टेबल प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है तकरीबन 100 मीटर होती है। तो नीचे हम छोटे पैमाने पे जो है फॉरेस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, एंड देन अदर जो मतलब जो भी हमारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो
अब जितने भी जो है इस पे बहुत ही, जैसे जर्मनी है या नीदरलैंड्स है, ये जो कंट्रीज है इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर, बिकॉज वहाँ पे विंड पावर का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। अब एडवांटेज है, विंड एनर्जी इज़ फ्री, उसमें कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं लगता है, इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, द लैंड बीनीथ जो है नीचे वो यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर एक्टिविटीज़। विंड फार्म कैन बी यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो जिसके अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे बेसिकली जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट इसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हम विंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब विंड आ जाएगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एक वो एरिया है। देन इसमें सुटेबल फॉर बेसिकली फॉर द कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा है इसका पोटेंशियल, बट लैंड में एक्सपेंसिव है बिकॉज विंड जनरेशन जो है कम होती है, तो एनर्जी जनरेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। देन सम पीपल फील कवरिंग लैंडस्केप टावर्स, मतलब इसका एक जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। देन इट कैन किल बर्ड्स, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उसमें इम्पैक्ट आ जाएगा। टीवी ट्रांसमिशन में इम्पैक्ट हो सकता है। देन इसमें नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत अच्छा खासा होता है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एज़ कम्पेयर टू अदर एडवांटेजेस। बट अगर हम इसको कंपेयर करें विद अदर एनर्जी तो उसके हिसाब से तो बहुत ही क्लीन एनर्जी है। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन्स जो है इसमें कोई भी इमिशन क्रिएट नहीं होता है, तो अबाउट जो व्हेन दोज ऑपरेशनल आर इंक्लूडेड विंड एनर्जी जो है इमिशन आर क्वाइट स्मॉल। इसमें कंस्ट्रक्शन में भी जो टरबाइन की कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है, जैसे 1% ऑफ द कोल, जितना कोल में यूज़ होता है, तो खाली 1% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस आर लिंक्ड विद द विंड टर्बाइन, एंड देन 2% ऑफ नेचुरल गैसेस पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब कुछ ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स ऑफ मीन्स कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो है डिसाइड करेगी कि विंड एनर्जी को यूज़ करना है कि नहीं करना है, इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। तो ये एक पर्टिकुलर पिक्चर है ऑफशोर, जो हम लार्ज टर्बाइन्स की बात कर रहे थे, ऑफशोर कैसे समंदर में लगाया जाता है, इसको ऑफशोर टर्बाइन्स बोलते हैं। तो पहले ये डिक्लाइनिंग विंड कॉस्ट, जो अगर विंड पावर का जो कॉस्ट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वो भी एक ड्राइवर है कि विंड एनर्जी को उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा। फ्यूल प्राइस अनसर्टेनिटी, अगर फ्यूल प्राइस इंक्रीज होगी तो ओबियसली जो है प्रेफर करेंगे विंड एनर्जी को जो है उस पर इन्वेस्ट करने का, बिकॉज दैट इज़ अ क्लीन एनर्जी। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है, वो अब जब जैसे इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे सोलर एनर्जी में उनने कितना रखा है टारगेट 5 बाई 2027, तो इसमें भी अगर ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगी तो ओबियसली इसमें जो है इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, तो अगर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी है देन दे कैन फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ क्लीन एनर्जीज। फिर ग्रीन पावर जनरेशन, उस पर भी डिपेंड करता है। देन एनर्जी सिक्योरिटी, अगर किसी को एनर्जी सिक्योर बनना है देन दे ऑल्सो कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ रिन्यूएबल। बट नाउ डेज देर इज अ कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड और हाइब्रिड काइंड ऑफ सिस्टम, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, तो हमें एक हाइब्रिड जैसा सिस्टम बना, जैसे विंड एनर्जी के साथ हम सोलर एनर्जी भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या इसको कनेक्ट कर सकते हैं टू सर्टेन काइंड ऑफ थर्मो पावर प्लांट्स, तो उसको हाइब्रिड या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें, तो आई वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द हाइब्रिड काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज, तो कैसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी को इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी।